मैं इस वक्त मौजूद हूं जम्मू के गांधीनगर में, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के कार्यालय में, और इस कार्यालय को जो है वो स्टेट विभाग के द्वारा सीज कर दिया गया है। ये ताला आप यहां पर देख सकते हैं, ये स्टंप जो है वो लगाकर इसे जो है वो सीज कर दिया गया है। ये बड़ी खबर जो है वो जम्मू से है, जहाँ पर जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का ये कार्यालय गांधीनगर स्थित, जिसे आज जो स्टेट विभाग है उसके द्वारा सीज कर दिया गया है। कारण क्या है ये अभी नहीं बताया गया है, लेकिन इस कार्यालय को जो है वो सीज कर दिया गया है। और इस कार्यालय की बात करें तो जब प्रोफेसर भीम सिंह जो कि संस्थापक थे इस पार्टी के, उनकी मृत्यु के बाद लगभग चंद ही लोग जो हैं वो यहाँ पर होते थे, क्योंकि पार्टी के तमाम बड़े नेता जो हैं वो पार्टी को अलविदा कह चुके थे। लेकिन उसके बाद हर्षदेव सिंह की बात करें, बलवंत सिंह मनकोटिया, उनके समेत कई जो लोग थे उन्होंने पार्टी को जो है वो अलविदा कहा। लेकिन उसके बाद हर्षदेव सिंह जो हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़कर दो ही दिन पहले ये ऐलान किया कि वो एक बार फिर जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी में आ गए हैं और पार्टी को जो है वो मजबूत करेंगे। और इसी के चलते ये ऑफिस जो है यहाँ पर आज या कल, हर्षदेव सिंह की बात करें तो हर्षदेव सिंह जो हैं उन्हें यहाँ पर आना था, उनका भव्य स्वागत जो है वो इसी कार्यालय में होना था, लेकिन उससे ठीक पहले इस कार्यालय को जो है वो स्टेट विभाग के द्वारा सीज कर दिया गया है। और ये आप देख सकते हैं कि ये स्टंप जो है वो लगाकर इस लाख जो है उसे यहाँ पर लगाया गया है, और इस कार्यालय की बात करें तो इसे सीज कर दिया गया है। अभी स्टेट विभाग की बात करें तो उनके द्वारा कारण जो है वो नहीं बताए गए हैं कि आखिर क्या कारण है, क्यों इस कार्यालय को जो है वो सीज किया गया है। लेकिन ये बड़ी खबर जम्मू से है, जहां पर जो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का कार्यालय, जिसे आज सीज कर दिया गया है। और यहाँ पर अब बिल्कुल इस ऑफिस के अंदर की बात करें तो यहाँ पर आज कोई नहीं है। अंदर भी देख सकते हैं कि ये फोटो आप देख सकते हैं कि ये जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का कार्यालय हुआ करता था। कुछ दिन पहले यहाँ पर एक भारी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन फिर जब प्रोफेसर भीम सिंह की बात करें तो उनकी जो मौत है वो होती है, और उसके बाद चंद लोग यहाँ पर होते थे। लेकिन उसके बाद जब हर्षदेव सिंह ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर दो दिन पहले दामन वापस जो है वो पैंथर्स पार्टी का थामा, और उम्मीद थी कि यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुँचेंगे, उनका भव्य स्वागत होगा हर्षदेव सिंह का, अपने लोगों के साथ तामझाम के साथ वो यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यह है कि आज जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का ये कार्यालय, जिसे जो है वो आज स्टेट विभाग के द्वारा जो है वो सीज कर दिया गया है। कारण क्या है यह भी साफ नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी स्टेट विभाग ने कई बड़े नेता जो हैं उन्हें, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को नोटिस जारी किए थे, और ये कहा था कि आप सरकारी जो बंगले और दफ्तर हैं उन्हें खाली कर दें। कई लोग जो हैं उन्होंने इस तरह के बंगले जो हैं वो खाली भी किए, सरकारी दफ्तर जो हैं वो खाली भी किए, लेकिन अभी भी जो है वो कई लोग इस तरह के आरोप जो हैं वो लगाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, उन्हें जो है वो कोई खाली उनसे स्टेट विभाग उनके बंगले नहीं करवा रहा, सिर्फ अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं, दूसरी पार्टीज़ उनके जो ऑफिसेज और जो उनके मकान हैं, बंगले हैं, उन्हें जो है वो खाली करवाया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज एक बार फिर जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का गांधीनगर स्थित जो कार्यालय है, मेरे ठीक पीछे जो कार्यालय है, ये कार्यालय जो है वो स्टेट विभाग के द्वारा जो है वो सीज किया गया है। अब पैंथर्स पार्टी इसको लेकर आगे कौन सी जो राह है वो अपनाती है, क्या पैंथर्स पार्टी जो है इसे लेकर कोर्ट में जो है वो जाएगी, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, क्योंकि अभी कारण जो है वो सामने आना बाकी है कि स्टेट विभाग जो है उनके द्वारा क्यों जो है वो इसे जो है वो सीज किया गया। फिलहाल ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लॉक है, इसे लाख जो है वो यहाँ पर लगाया गया है, और ये स्टंप लगाकर लाख यहाँ पर लगाया गया है, और इसे जो है वो स्टेट विभाग के लोग जो हैं वो सीज करके यहाँ से वापस जा चुके हैं। बड़ी खबर जम्मू से, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का कार्यालय जो है उसे आज सीज कर दिया गया है। रवि शर्मा, UNT जम्मू।